तीन तलाक आर्टिकल तीन सौ सत्तर और नारी शक्ति कानून पीएम मोदी ने गिराया वो काम जिनका पीढ़ियों से इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सत्रहवीं लोक सभा की समाप्ति पर पिछले पांच साल के कार्यालय में किए गए कुछ ऐतिहासिक फैसलों को याद किया पीएम ने बताया कि इसी कार्यालय में अनुच्छेद तीन को निरस्त किया गया पीएम ने तीन तलाक की प्रथा पर भी बात की और नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर कहा कि आने वाले समय में संसद में हमारी माताएं बहनें बैठी होगी जो कि गर्व की बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ही आज सत्रहवीं लोकसभा के आखिरी सत्र की समाप्ति हुई पीएम ने इस दौरान देश के विकास भविष्य में देश की पहचान और सत्रहवीं लोकसभा में किए गए ऐतिहासिक फैसलों पर बात की पीएम ने तीन तलाक की प्रथा को खत्म करने से लेकर जम्मू कश्मीर के धारा तीन को निरस्त करने और आतंकवाद पर नकेल कसने तक को इक्कीसवीं सदी को भारत की एक मजबूत न्यू बताया उन्होंने कहा कि एक कार्यालय में बहुत से रिफॉर्म किए गए जो गेम चेंजर हैं प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में कहा कि सत्रहवीं लोकसभा के माध्यम से पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ है अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान का सपना देखा था लेकिन हर पर वो संविधान बेकरार था पीएम ने अनुच्छेद तीन को संविधान में एक रुकावट बताते हुए कहा कि वह चुभती थी पीएम ने कहा कि जिन पुरुषों ने संविधान को बनाया है उनकी आत्मा जिन कामों को हमने पूरा किया उसके लिए जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे ने धारा तीन को खत्म किए जाने पर कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित किया गया था हमारा न्याय का कमिटमेंट जम्मू कश्मीर के भाई बहन तक पहुंचाकर कर हमें संतोष होता है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद नासुर बन गया था देश के होनहार लोग आतंकवाद की बलि चढ़ जाते थे आतंकवाद के खिलाफ इसी संसद ने सख्त कानून बनाया जो इन समस्याओं से जूझते हैं उन्हें बल मिला है तो दोस्तों आप लोग को क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी घंटे दबा दीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक जय हिंद जय जै भारत